एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम इस टाइम हो रहा है, डेली एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, चंद्रमा पर भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? यहाँ पर मानव है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया? कर्नाटक। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका। वनडे क्रिकेट में इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं इयान मॉर्गन, और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे रासायनिक नाम भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? असम ने। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। बिहार की राजधानी पटना। एक रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को 3,500 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो देखिए, शॉर्टकट में ही देखेंगे। देखिए, उसको बेचा गया 3,500 रुपये में और 30% लॉस में यानी कि हानि में बेचा गया। तो अगर हम उसका प्रतिशत निकालें कि कितने प्रतिशत में बेचा गया, तो बेचा गया है 70% में। उसका विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत आएगा वो होगा 70%। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम उसका ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसको 130% के लाभ में बेचेंगे, 100% में उसका कुल मूल्य हो जाएगा, और 30% लाभ में बेचना है तो 130% लाभ के साथ उसका मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3,500/70 गुणे 130 कर देंगे, तो 30% लाभ में बेचने पर उस वस्तु की कीमत 6,500 रुपये हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।